रानीखेत तहसील के नौगांव फयाटनौला में सोमवार को देर शाम बाजार से सामान लेकर लौट रहे 40 वर्षीय युवक जगदीश असनौड़ा पर घात लगाए बैठे तेंदुए ने हमला कर जान से मार दिया था। मंगलवार की सुबह गांव के करीब 1 किलोमीटर दूर सूखे नौले के पास गहरी खाई में झाड़ियों के बीच जगदीश का अधखाया शव मिला था। घटना के बाद से ही वन विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाला हुआ है। विभाग की तरफ से बुधवार को गांव में पिंजरा लगा दिया गया है। एसडीओ रानीखेत के नेतृत्व में वन विभाग की 8 सदस्यीय टीम मौके पर गश्त कर रही है। इधर खूंखार बने तेंदुए ने बुधवार की सुबह भी गांव के पास ही एक बकरी को मार डाला, जिससे क्षेत्र में दहशत काफ़ी बढ़ गई है। रानीखेत के वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा ने बताया कि जरूरत पड़ने पर गांव के दूसरी तरफ भी एक पिंजरा लगाया जाएगा। तेंदुए को आदमखोर घोषित करने के लिए मुख्य वन जीव प्रतिपालक को पत्र भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद शिकारी बुलाए जाएंगे। कई शिकारियों से संपर्क किया गया है। पीड़ित परिवार को अहेतुक राशि भी प्रदान की जाएगी। ड्रोन व ट्रैकुलाइजेशन टीम को नौगांव में बुलाने के लिए भी आवेदन कर दिया गया है। कैमरा ट्रैप सेट कर घटनास्थल के आसपास और गांव के आने जाने वाले रास्तों पर तेंदुए की गतिविधि पता की जाएगी। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये YouTube चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।